15 लाख की मोटरसाइकिल पर सवार था मृतक। दिल्ली जयपुर हाईवे पर विदेशी कंपनियों के कानूनी सलाहकार ऋषभ गुलशन की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब नामी कंपनियों की बाइकों पर सवार एक समूह उदयपुर राजस्थान से घूमकर वापस दिल्ली लौट रहा था। इसी दौरान हाईवे पर बने में 15 लाख की बाइक फंसने से असंतुलित हुई, जिसके बाद पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने इस बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में चाप की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इसके शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक दिल्ली के लाजपत नगर निवासी ऋषभ गुलशन 45 गुरुग्राम में रहते थे। वे अमेरिका सहित कई अन्य विदेशी कंपनियों में बतौर कानूनी सलाहकार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 30 सितंबर को 11 दोस्तों के साथ ऋषभ राजस्थान के उदयपुर घूमने के लिए निकले थे। 11 साथियों के पास महंगी 9 बाइक व एक कार थी। कार में उनकी सहायता के लिए 2 अन्य लोग सवार थे। ये सब लोग उदयपुर राजस्थान से दिल्ली वापस लौट रहे थे। बीच राह में राजस्थान की सीमा पार करने के बाद हरियाणा की सीमा में जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर से कुछ आगे गांव चंदूवास के पास एक में ऋषभ गुलशन की डुकाटी बाइक फंसकर अनियंत्रित हो गई। ऋषभ को संभलने का मौका ही नहीं मिला और पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद ऋषभ की मौके पर ही मौत हो गई। ऋषभ के साथियों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बावल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक ऋषभ का परिवार विदेश में रहता है। उनके परिवार में पत्नी और 11 साल का एक बेटा है। पुलिस ने ऋषभ की मौत की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है। इस शव को बावल के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है, जिसे पंचनामा होने के बाद उसके परिजन को सौंपकर दिल्ली भेजा जाएगा। बावल थाना पुलिस के जांच अधिकारी प्रीत सिंह ने बताया कि इस हादसे की गंभीरता से जांच की जा रही है। परिजनों के बयान के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसआई प्रीत सिंह थाना बावल। सर, एक कोई हादसा हुआ है खेड़ा बॉर्डर पे, क्या मामला था वो? उसमें ये बाइक वाले है ना, अपनी बाइकों पे आ रहे थे, जो रेसलिंग वाली बाइक होती है, उसमें इनके ऊंचे नीचे रोड होने के कारण वो स्लिप हो गए थे और बाइक से गिर गया था, और पीछे से गाड़ी आने वाली थी उसके ऊपर चढ़ गई और उससे सिर वगैरह फट गए। उसका वारसान बुलाए गए, वारसान बुला करके और उनका जो है पोस्टमार्टम करके और खास वारसान हवाले किए गए, उचित कार्रवाई अमल में लाई गई। जिस गाड़ी से हुआ उस गाड़ी का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चल पाया उस गाड़ी के बारे में, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। हम उसका नंबर नहीं देख पाए और अपने लिखित में संतोषजनक अपनी कार्रवाई करा कर वापस चले गए।